केजरीवाल को लेकर ईडी ने यह कहा है कि 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई है अरविंद केजरीवाल की ओर से, और इस बात के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी उसके पास ईडी के पास पक्के सबूत हैं कि किस तरीके से 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई है। यह भी ईडी की ओर से कहा गया कि जिस पैसे की बात बीजेपी को दिए जाने का केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग तरीके का मामला है, इसमें कोई साठगांठ का मामला नहीं है। केजरीवाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और 100 करोड़ की रिश्वत उन्होंने मांगी है, इसके सबूत ईडी के पास है। ईडी ने आगे ये भी कहा है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी पर दबाव बनाकर बयान लिया गया तो ये ट्रायल का मामला है। आज रिमांड पर बहस हो रही है, हमें और 7 दिनों की रिमांड चाहिए, तो आज इसको तर्क के तौर पर कोर्ट के सामने रखने का क्या मतलब है, क्योंकि इसकी चर्चा तो ट्रायल में हो जाएगी कि फला भी व्यक्ति का बयान सही है गलत है या फिर दबाव बनाकर बयान लिया गया है। ईडी की ओर से यह भी कहा गया है कि केजरीवाल ने बड़े बड़े वकीलों को सुनवाई के लिए लगा रखा है, ये सुविधा क्या हर आदमी के पास होती है, क्या हर आम आदमी के पास क्या ये सुविधा होती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा, केजरीवाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं और उसके पास सबूत है।